दोस्तों, क्या आपको पता लगा कि बाजार में एक नई स्कीम आई है जिससे आप रातों रात देशभक्त बन सकते हैं। देशभक्ति का एक नया तरकीब आया है बाजार में। देशभक्त बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, अपने घर के आसपास जो भी बैंक हो उसकी एटीएम की लाइन में खड़े हो जाएं, आपको पैसे निकालने हो या ना निकालने हो, लेकिन घंटे दो घंटे तीन घंटे वहां पर खड़े होकर आ जाइए। इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि आप भी उतने ही देशभक्त हैं जितना कोई फौजी देश की सीमा पर खड़ा होकर देश की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कहीं भी किसी भी मजदूर की दिहाड़ी के बारे में बात ना करें, किसी व्यापारी के व्यापार के बारे में बात ना करें, देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया इसके बारे में बात ना करें। 100 से ज्यादा मौत हो चुकी है, लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं, लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं, इसके बारे में बात ना करें। इससे क्या होगा कि आपका देशभक्ति का जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो कम हो जाएगा और आप शायद उतने देशभक्त नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ आपको एक और तरकीब मैं बताता हूं जिससे आप और भी अच्छे देशभक्त बन सकते हैं। आप फेसबुक पे लॉगिन कीजिए, ट्विटर पे लॉगिन कीजिए, व्हाट्सएप पर अपने जो भी यार रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हैं जो इस चीज को गलत बता रहे हैं कि देश में बहुत दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनको गाली दीजिए, गंदी गंदी गाली दीजिए, तमाम उन नेताओं को गाली दीजिए, तमाम उन समाज सेवी इकोनॉमिस्ट जो है उनको गाली दीजिए जो इस चीज को गलत बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी देशभक्ति का पैमाना और भी तगड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस नुस्खे को अपनाएंगे और जल्दी ही एक बेहतरीन, एक बहुत ही अच्छे देशभक्त बनकर निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत।